जनता है सब मर रही है भूखन के मारे, फड़फड़ा रही है। 5 किलो अनाज तो देने। अरे 5 किलो का अनाज इतना बड़ा थैला बना दिया, उसमें इतना सा गल्ला देती है, इसमें बालक और बच्चे सब पल जाएंगे क्या? फोटो भी तो मोदी जी का तो आ रहा थैले पे। आया तो है, तो इतने बड़े थैला में आया है, इतना सा गल्ला है, 4 किलो 5 किलो इतने में परिवार 1 महीना का पल जाएगा क्या? 5 किलो का बना के 5 किलो का दे। बोलो आप है, कोई कोई काम नहीं आपका, कोई काम में नहीं आएगा। अब मोदी नहीं आएगी, सरकार नहीं आएगी। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी राज में बहन बेटियां सुरक्षित हो गई हैं। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, मोदी तो कहेंगे आप वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। जी कभी नहीं देंगे, कभी आएगा भी नहीं हमारे राज्य में। हो रही है पहले से थी आपको? हाँ दिग्गत हो रही है, बिल्कुल दिग्गत हो रही है। अभी से जब से दिग्गत है, दिग्गत है, जब से मोदी आया तब से दिग्गत है। करीब 600 किसानों की जान चली गई, ये किसान आंदोलन। हाँ यहाँ से 600 शहीद हो, सर्दी से गर्मी से। हाँ सर, हाँ हो गए। लाठी बजाई? हाँ लाठी भी बजाई, टस्से मसली नहीं हो भाई। उसके जड़ा से आस नहीं, आशा कि मेरा किसान मजदूर जीता आया तो इसकी आस आ जाए, तो मोदी के हाथ तक आई तनक आस नहीं आई। उन्होंने मोटा वोट दिया था ना, उसके लड़का ना बच्चा वो कुछ उस वक्त जानता नहीं। और सरकार जो अगर मेरी जानती कि मेरे मजदूर किसान जो कुर्सी में बैठाए हैं, तो इतने जो शहीद हो गए, तो किसान मजदूर मेरा जो बैठाया है वो छीनने के लिए कोशिश कर रहा, उतार भी लेगा उसको, बैठाने भी जानता उतारने भी जानता। लेकिन लोग कहते हैं डंका बज रहा है मोदी सरकार का पूरा। नहीं डंका कहाँ बजता है, उसके पास चप्पल भी नहीं बजेगी। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल। ना 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 ना, डंका कहाँ बजेगी, चप्पल नहीं बजेगी, चप्पल पैर की नहीं है। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में घुमाएंगे मोदी जी? हाँ अरे नहीं, ये चप्पल कहाँ घुमाएगा, सस्ता होना टिकट ना। अबे हम भी आए हैं सतना जिला MP से, 1,000 टिकट के कटा के आए, 1,000 जहाँ 300 रुपया लगता, मैं 1,000 में कटा के आई। सुविधा तो मिलेगा रेल में? नहीं मिलता है, नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। मेरे महिलाओं को ठगे देते हैं, एमए में ठगे देते, क्या सुविधा मिलती है? 9 महीने से चला हमारा किसान, कष्ट भी भोग रहा है, लाठी डंडा भी खा रहा है, गोलियां खा रहा है, तो भी अपना जब तक हक नहीं मिलेगा जब तक यहाँ से गाजीपुर से नहीं जाएगा। पर सरकार तो मना कर रही है। मना सरकार करती तो मना हमारा तीनों काले कानून ऑफिस कर दे, हम भी घर चले जाएंगे। काले कानून ही तो वापस करने के लिए मना कर रही है? तो नहीं, जब तक ऑफिस नहीं करेंगे तो हम घर नहीं जाएंगे। कितनी महिलाएं आई हैं? हमारी 1,000 महिला है। क्या कह रहे हैं जहाँ से आप लोग आए, क्या कह रहे हैं आंदोलन? आंदोलन का हम कहने आए तो आंदोलन में जो होगा तो वो हम पचे समर्थन करेंगे, लाठी डंडा गोलियां जो चलेंगे तो करेंगे। लेकिन हाँ। सरकार कहती है कि ये जो कानून है इससे किसानों की आय दोगुना हो जाएगी 2022 तक। हाँ। लागत जो आप लगाते हैं उसका 1.5 गुना मिलेगा आपको रिटर्न में। नहीं चाहिए 2 गुना हमको। सरकार ठीक काम नहीं कर रही है? हमको यहाँ नहीं मिल रहा कुछ खाने को, रोटियाँ नहीं मिल रही है, जो 5 किलो देता है तो हमारे यहाँ चिड़िया चढ़ जाती है। काम ठीक नहीं कर रही है सर? नहीं कर रही है, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ छीन लिया, हमारे बच्चों की नौकरियाँ छीन लिया, हमारे विकलांग जो भाई हैं तो उनकी माने वृद्धा पेंशन छीन लिया, क्या दे रहा है? कोई नहीं दे रहा हमको, कुछ नहीं नज़र दिखा रहा ना, कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन जो मामा जी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वो तो कहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं वो मामा कंस है, कुछ नहीं करता है, भांजे और बहनन को देख कहता भांजे बहना है या जीजा की कहीं पता नहीं, कहाँ से कंस मामा है वो? हम है बहनी तो यहाँ आ गई, जीजा कहाँ दिखा रहे हैं? तो 15 साल से कोई काम नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर सीएम कैसे बन जाते हैं बार बार? बार बार सीएम बन जाते हैं, अपना हमारा गला दबा दोगे, माने किसानों को नोट दे दोगे, शराब पिया दोगे तो हमारे भाग जाते हैं, देंगे खरीद लेता है। आंटी जी क्या कोई योजना पहुँची है आप तक? कुछ कौनो योजना नहीं पहुंची है। सिलेंडर वगैरह मिले? सिलेंडर मिला था पहले, 5 मैंने 100 रुपया में दे दिया है, आज 1,000 में भर रहा है। और बाथरूम वगैरह? बाथरूम वगैरह वो जो दिया 300 का तो आज 900 के भर रहा है। हम 900 पैसा कहाँ से पाई, 900 रुपया हम कहाँ से पाएंगे? महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? नहीं है हमारे यहाँ, कहा था कि मैंने बेटी बचाऊंगा, महिला बचाऊंगा, देश बचाऊंगा, आज तक मेरे बहनों का और बेटियों के हत्या से सिवा कुछ हमको नजर नहीं आता। अच्छा जी जी, तो झूठ बोल रही है सरकार? हाँ सरकार झूठ बोल रही है। जो आदिवासी लोग हैं मध्य प्रदेश में उनको कुछ अधिकार मिले हैं? कुछ अधिकार नहीं मिला है, हमारे ही सब मजदूर है, किसान है, कौनो लखपति लेके नहीं आए, सब हमारे मजदूर किसान हैं। इनकी बिचारियों के आज पहनने के कपड़ा नहीं है, बच्चों के सांझ के खबाने के दाना नहीं है, हमको सरकार क्या दे रही है?
तो अभी नहीं मिल रहा या पहले से नहीं मिलता था? आप भी नहीं मिल रहा है, दो तीन साल से नहीं मिल रहा है। मोदी जी को तो 7 साल हो गए। अरे 7 साल हो गया तो कार अपना नाम कमाता कि मैं दे रही हूँ, कुछ नहीं देता है। कोई काम नहीं किया? नहीं किया है। कोई विकास का कार्य आपके क्षेत्र? कुछ नहीं किया विकास का। कोई सड़क रोड? कुछ नहीं किया है। एक नल नहीं लगवाया है मेरे यहाँ के गोरुआ या मनई तड़प तड़प के पानी के लिए एक बूंद को मरते हैं कि मैं पी लूं। हमारे यहाँ पानी भी नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं छोटे जो किसान हैं आप जैसे लोग हैं उनके लिए फायदे के कानून हैं? नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं? नहीं जी। क्या कहोगे आप कहाँ से? हम बोल रहे हैं भैया कि हम विकलांग आदमी हैं दोनों जानी, 600 रुपये देते हैं तो 600 रुपये थोड़ी ना हो जाते हैं। बोलते थे कि पेंशन बढ़ेगी बढ़ेगी, अभी तक नहीं बढ़ी यार। अब हम विकलांग हैं, ना हमको सीट मिली ना कछु, हम कहाँ जाएं घूमने, न घर के न मकान का हमारा पैसा आया। मकान तो दे रहे हैं ना निवास? नहीं हमको कुछ नहीं मिला अभी, और हमारे घर में भी जाके देख लो। आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला कुछ ना। हमारे दो जनी पेंशन विकलांग है, घूमने जाने को हमारी तो बहुत गंदगी है, ना हमको सीट मिली ना कुछ मिला। लेकिन वो तो कहते अच्छे दिन आ गए हैं लोगों के देश में। कुछ नहीं आए अच्छे लोग, कुछ नहीं आए और बुरे लोग आ रहे हैं। अच्छे हो और बुरे हाल हो रहे हैं मोदी के सामने। जेब काट लेते हैं संगर में। रोजगार वगैरह मिला आपके बच्चे? कुछ नहीं मिला। कोई काम नौकरी? कुछ नहीं मिला। हमारे बच्चा रो रो के आस पोछते घर में बैठी, कुछ नहीं रोजगार मिला। उम्मीद है सरकार से कि कानून वापस होंगे? उम्मीद हमारा पूरा होगी, जब तक हमारा तीनों काले कानून नहीं आएंगे हम पचे यहाँ पड़े रहेंगे, दिन रात अपना यहाँ अर्पण कर देंगे। सात से ऐसे ईजाद हो गए तो हम भी पाचे न्याय हो जाएंगे। पर सरकार तो रोज ही मना कर रही है ना कि रोज हम पचे, सरकार को बनाते हैं बिगाड़ भी देंगे। तो मन बना लिया वोट नहीं? हाँ नहीं देंगे। किसको देंगे? हमारा किसान लेगा, किसान को खड़ा करेंगे, हमारा किसान होगा। किसान को कहाँ वोट देते हैं आप? किसान हमारा किसान को बनाएंगे, हम एक मजदूर चौधरी को बना देंगे, मगर मोदी को नहीं देंगे। और आप तो जैसा आपने अभी कहा कि हम तो इधर उधर बैठ जाते हैं ना वोट देने, नहीं बांकेंगे। हमारा अब एक मुट्ठी में किसान मजदूर हो गया। खाते वगैरह खुले थे आपके जनधन के? कहाँ से खाद? आज 3200 रुपया खाद कुंटल दे रहा, कहाँ से हमारी सत्य करा है माने खाद? पर वो तो बैंक खाते जनधन के कुछ नहीं आया, क्लोज हो गए। अरे कहाँ जाकर रहते हो कि बंद हो गया? कहता था कि मैं किसी के में 50,000 डरवाएंगे, किसी के में 5,000 डरवाएंगे, कहाँ किसी के में 10,000 डरवाएंगे, 15 लाख कुछ नहीं आया है। एक आध काम तो बताइए अच्छा सरकार का। सरकार को यहाँ हम बोल रहे हैं कि गिर जाए बिल्कुल, आए ना इस समय पर, इसलिए कि किसान लोग बिल्कुल तंगाएस हैं सब कोई, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के प्रदेश से यहाँ को आई है जनता, इसलिए यहाँ से लौट के नहीं जाएगी। जब स्मार्ट बनाएंगे किसानों को? हम किसान को बनाएंगे, वो नहीं बनाएगी, किसान को नहीं बनाएगी, वो लालची दे के वो गिरा देती है। विश्वास नहीं है क्या? नहीं है विश्वास, नहीं है विश्वास, बिल्कुल नहीं है विश्वास। की बात करते हैं संडे को मोदी जी महीना के अंत में कुछ बात करते हैं आपके लिए? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अच्छा जी आपका क्या नाम है? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। नहीं नाम क्या? नाम नाम आप कहाँ से आए हो? अनीता नहीं, अरे हमको हमारा नाम अनीता है, जलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश से। हाँ जिला जबलपुर से आए। वो कहते हैं कि असली किसान नहीं है, ऐसा कहते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों नहीं है असली किसान? असली किसान आए, असली जिला जबलपुर से। तो जो है आड़ती है या मजदूर है, किसान तो खेत में काम कर रहा है। किसान नहीं तो है, हम खेत छोड़ के तो आए हैं भैया। आप बुजुर्ग हैं, इतनी महंगाई मोदी किया है, उसको घटाना चाहिए महंगाई, और जो गल्ला है उसको बढ़ाना चाहिए, गिरा के लेता है। हम लोग खरीदने जाते हैं 2-10 हजार को देता है, और जब हमारा आता है फसल तो 5,000 का लेता है। आंटी 6 महीने बाद जो है करीब दूसरे साल आ जाएगी, 2022 आ जाएगी, और वो कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है ना 2 गुनी हो जाएगी, जैसे आपके 100 रुपए है ना 200 हो जाएंगे। कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा।